हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस कुकिंग फ्लेवर्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर डिटेल्स। तो दोस्तों, आज मैंने प्रिपेयर किया है वेज फ्राइड राइस, जो कि ना घर पे बनाना बहुत ही आसान है। मैं आज आप सबके साथ इसी के ही रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पूरे एंड तक देखना। इस रेसिपी की फर्स्ट स्टेप में हमने ले ली है एक नॉनस्टिक कढ़ाई एंड उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल एंड थोड़ा सा घी हमने गरम होने के लिए दे दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे काजू और किशमिश ली हुई है, वो हम कढ़ाई के गरम तेल में फ्राइंग होने के लिए दे देंगे और काफ़ी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए। आप लोग देख ही सकते हैं कितने अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है हमारी किशमिश और काजू बादाम। इसके बाद हमने यहाँ पे बारीक कटी हुई गाजर और बीन्स ली हुई है, अब उसी तेल में हम सारी सब्जियाँ फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें फ्राई करने हैं सारी सब्जियाँ और फ्राई होते होते हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने से सब्जियाँ बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाता है और आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरे सब्जियाँ कितनी जल्दी बॉयल हो चुकी है। देखिए आप लोग, एकदम प्रॉपर बॉयल्ड। फ्राई की हुई सब्जियाँ मैंने कढ़ाई से निकाल ली है, अब उसी ऑयल में मैंने दो तेज़पत्ते और सिनेमन, छोटी इलायची, लौंग और स्टार एनिस दे दूँगी। उसके बाद इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी है हमें ताकि फ्लेवर पूरी ऑयल में मिल जाए। एंड यस, इट्स रियली स्मेल वेरी नाइस। अब जो वेज फ्राइड राइस के राइस है उसे मैं 80% बॉयल करके पहले से ही रख चुकी हूँ। अब ये बॉयल की हुई राइस को मैंने कढ़ाई में थोड़ी थोड़ी करके दे दूँगी। पूरी राइस कढ़ाई में दे देने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। याद रहे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है। आफ्टर मिक्सिंग एंड फ्राइंग मैं इसमें फ्राई की हुई सब्जियां डाल दूंगी। उसके बाद फ्राई की हुई काजू और किशमिश भी मैंने इसमें डाल दूंगी। अब स्वाद अनुसार नमक मैं इसमें डाल दूंगी। अब दूंगी स्वाद अनुसार चीनी। उसके बाद मैंने शाही जीरा और वाइट पेपर दोनों एक साथ ग्राइंड करके रख दी है, इसे भी मैं कढ़ाई में दे दूँगी। उसके बाद मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स राइस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है और राइस को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी है। तो दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी राइस बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। एंड लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी केवड़ा वाटर एंड थोड़ी सी देसी घी और इसे भी मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो बस हमारा मिक्सिंग कंप्लीट एंड इट्स रेडी टू सर्व। तो दोस्तों, आप लोग इस वेज फ्राइड राइस को किसी भी आइटम के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पे चिकन के साथ सर्व की हुई है, आप चाहे तो इसे किसी भी वेज आइटम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।